ओम शांति। आज की तारीख है 12/2/23 और आज हम सुनेंगे फिर से प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 16/12/93 यानी 93 की मुरली। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सच्चे स्नेही बन एक बाप के द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले कि आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर को सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। बाबा कहते चारों ओर देखा तो बाबा को क्या दिखाई पड़ा कि सभी ब्राह्मण आत्माएं स्नेही हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही तीन प्रकार के हैं तो एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह को निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। बाबा हमको नोट करा रहे हैं कि समाने का मतलब क्या हुआ कि बाप समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है, कभी टूटता है, कभी जुटता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्नेह बाप के साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी। बाबा कहते हैं कि संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही हो जाता है। सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को सदा एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप के द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा सहज स्वतः ही एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को इसका याद प्यार, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान परमपिता शिव सतगुरु का सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले, सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले कि भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है
ध्यान से सुनो वो विधि और उस विधि को अपनाएंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। तो भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा, दोनों के साथ साथ संबंध। जो शिव बाबा से संबंध वही हमारे ब्रह्मा बाबा, उनसे संबंध। कई बच्चे कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट निराकार से संबंध है, उनसे कनेक्शन है। साकार में ने भी तो निराकार से पाया, तो हम भी उससे ही सब कुछ पा लेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, ये पूरी चाबी नहीं है। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा का कुमार कुमारी तो बनना ही पड़े। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।